काउंटर्स में सौरभ आपकी नजर कहां पे है? लॉन्ग शॉर्ट आइडियाज दोनों बताएं। जी संजय, मेरा पहला पिक रहेगा एनटीपीसी। एनटीपीसी के स्टॉक में देखिए तो कल के सेशन में एक न्यू 10 ईयर हाई मारा है। जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था 180, उसको क्रॉस किया है, और जिस तरीके से स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस लेवल को अप्रोच किया है, मुझे लग रहा है ये एक अच्छा ब्रेकआउट है और यहाँ से बड़ा मोमेंटम ऑन द अपसाइड बन सकता है। तो एनटीपीसी में करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह होगी। एक 178 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजिशन बनाई जा सकती है। ऑन द अपसाइड मुझे लग रहा है इस स्टॉक में 190 तक के लेवल्स नियर टर्म में देखे जा सकते हैं। दूसरा पिक मेरा रहेगा जोमैटो। ये स्टॉक काफी समय से पिछले साल काफी पिटा था, उसके बाद स्टॉक ने लोअर लेवल्स पे एक अच्छा बेस बनाया है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है, और स्टॉक जो इसके भी की लेवल्स है, इनफैक्ट कल के सेशन में स्टॉक ने न्यू 52 वीक हाई मारा है, तो इंडिकेट कर रहा है स्टॉक में फ्रेश बाइंग वापस लौट रही है और यहाँ से स्टॉक में फॉर द शॉर्ट टर्म एक अच्छा मोमेंटम देखा जा सकता है। तो जोमेटो के स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह होगी। एक 73 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजिशन बनाई जा सकती है। ऑन द अपसाइड आई थिंक 85 तक के लेवल्स आने वाले हफ्तों में देखे जा सकते हैं। तो आई थिंक जोमेटो का पिक मुझे लग रहा है यहाँ से वापस इसमें इंटरेस्ट आना चाहिए और यहाँ से बड़ी तेजी इस काउंटर में भी देखी जा सकती है। ओके ठीक है, नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है कि जोमेटो की काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है और बाजार के कमज़ोर होने के बावजूद भी जोमेटो कमज़ोर नहीं हो रहा है। ये 70-72 के ऊपर जब से आया तब से टिका भी हुआ है। अगर आप, मैं आज मन्नापुरम नहीं दूसरा शेयर चुनता तो मैं जोमेटो पर ज़रूर ध्यान रखता। खैर, आपका ये शेयर मेरे को बहुत बढ़िया लगा, एनटीपीसी और दूसरा जोमेटो। एनटीपीसी और आपका मैच ही कर गया। संतोष सर, आपकी ट्रेड क्या है? मेरे दो स्टॉक्स है, एक बाइंग साइड है और एक सेलिंग साइड है। बाइंग साइड मैंने लिया एपीएल अपोलो। इस स्टॉक की बात करें तो इसमें एक फॉलिंग चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है और कई सारे अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। लग रहा है कि ये अपना एक रिसेंट स्विंग हाई था 1250 के आसपास, वहां तक जाते हुए नजर आएगा। तो यहाँ पर 1175 के स्टॉप से खरीदारी करना चाहिए, 1250 का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक मेरा सेल साइड है, जो एक काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में था, लेकिन कल थोड़ी सी इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग के सिग्नल दिखे हैं, वो है स्टॉक डीएलएफ। टेक्निकल चार्ट्स पर देखें तो यहाँ पे आरएसआई में एक थोड़ा सा नेगेटिव डाइवर्जेंस नजर आ रहा है, और कैंडलस्टिक भी देखें तो एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना है। तो हो सकता है एक बार एटलीस्ट अपने 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करते नजर आए, जो करीब 475 के आसपास का है। तो यहाँ पर 490 के स्टॉप लॉस से आप सेल कर सकते हैं, 475 आपका टारगेट रहेगा। जुड़ चुके हैं कुछ, गुड मॉर्निंग। आज के ट्रेडिंग आइडियाज से शुरुआत करते हैं। जी हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, ओवरऑल सेटअप यू नो बाय ऑन डिप्स का ही है मार्केट्स में। इसके चलते मेरे जो दोनों कॉल्स हैं दोनों ही यू नो बाय साइड पे हैं। पहला है भारत फोर्ज, अगेन इस स्टॉक में ब्रेकआउट देखने मिला है, ऑफ हाईज क्लोज हुआ था लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। तो भारत फोर्ज आप बाय करके चल सकते हैं, 830 एंड 845 का टारगेट, स्टॉप लॉस यहाँ पे आप 810 का लेके चलें। द सेकंड स्टॉक वेरी सिमिलर मिड कैप स्पेस से है, त्रिवेणी। इस स्टॉक में भी हमने ब्रेकआउट आते हुए देखा है, पिछले हफ्ते भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। त्रिवेणी टर्बाइन्स बाय करके चले 421 एंड 429 के टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका 404 का रहेगा। त्रिवेणी और भारत फोर्ज दो मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स कुछ हो अच्छे लगते हैं।